दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैंने आज भी कोशिश किया कि मैं इसी जगह पे वीडियो करूं जहां पे आप देखना पसंद करते हैं। मैं इस बात को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हूं, एक्साइटेड हूं कि हाँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कुछ यहां पे नोटिस कर लेते हैं। इनफैक्ट है भी ऐसा, काफ़ी कुछ है यहाँ पर ऐसा। मैंने पूरी कोशिश की कि आज यहाँ पर वीडियो करूँ, लेकिन ये सीन जो है ना पिछले 24 आवर्स से है, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश। ये जो वीडियो है ना, ये है शाम के 7 बजे का वीडियो है। मैंने सोचा था अगर 10, 11, 12 बजे तक सब कुछ सही हो जाता है तो मैं कुछ करूँगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसके बाद कंडीशन और ख़राब हो गई, और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई। एक पार्ट है इसमें, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को ग्रीट करने के लिए मैंने रात के अराउंड 1:30 बजे एक वीडियो शूट किया था भीगते हुए इसी जगह पे। आज की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अभी उनको बोलूँगा कि आप ऐसे वीडियो से दूर रहें, लेकिन ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। साफ सी बात है, जब कोई मरता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, और उसके मरने के बाद जब उसकी बॉडी से एनर्जी निकल जाती है तो वो एनर्जी डिसिपिएट क्या कहाँ होती है। लकीली कुछ लोगों ने कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह के इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया है कि हाँ कोई मर चुका है, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले उनकी बॉडी को कैसे उनकी आत्मा छोड़ रही है। पहला केस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली वीडियो मेरी जो है लाइन एयर पे है, इंडोनेशिया 2018। इस फ्रेम के बाद जो एक वीडियो आने वाली है उसे सुनिएगा। ये इंडोनेशियन जो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लोग थे, उनका क्लेम है कि उन्होंने इस तरह की आवाज़ सुनी थी अंडर वाटर जब वो डेब्रिस को, डेड बॉडीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। इस पे मैं व्यूज़ दूंगा वीडियो के आखिरी में। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई थी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ये इनके हेड थे ये, और ये इनका कहना, ये इनका एक्सपीरियंस है, और इनके कई सारे जो चेले या इनके क्रू के लोग थे उनका ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अंडर वाटर इस तरह की आवाज़ें सुनी है, इस तरह का साउंड सुना है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है ये भी बताऊँगा आपको। देखिए, जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ख़तरनाक है, डरावना है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब प्लेन पानी से टकराता है, ऐसे कहने को पानी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर प्लेन टकराता है पानी से तो लगता है कि वो एक, मतलब उसको मानिए कंक्रीट से टकरा रहा है। सामने के सारे लोग तो उसी टाइम कोलैप्स हो गए होंगे, मर गए होंगे, लेकिन हो सकता है कई पार्ट में, जैसे पीछे विंग के पास, विंग सबसे स्ट्रांग एरिया होता है प्लेन का, कुछ लोग सरवाइव किए होंगे, लेकिन वो जब डूब रहे होंगे ना ड्राइविंग के कारण, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि वो मरने वाले हैं, उनको ये दुख होगा इसलिए वो चीख चिल्ला रहे थे। जो भी था ये आपके सामने था, आप इसे सच माने, झूठ माने, फेक माने, वो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार मजाक में मैंने गौरव भाई से पूछा था कि गौरव भाई, हम तो ज़मीन पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पानी में बहुत सारे प्लेन क्रैशेज हुए हैं, समुंदर की गहराइयों में चले गए हैं, क्या ऐसा कुछ होता है तो वहाँ हॉन्टिंग हो सकती है? तो उन्होंने यही कहा था कि राज भाई, कहीं भी कुछ ऐसा होगा और जहाँ लोगों की जाने गई हैं वहाँ पे वो ट्रैप्ड होकर के, बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रैप्ड होकर के फंस करके रह जाए।
इसलिए मैंने इतना मतलब इसको कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ ये हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड फुटेज पे। ये फुटेज को भेजा है मेरी एक फ्रेंड ने जिनका नाम है श्वेता चटर्जी, शी इज़ फ्रॉम कोलकाता, और उनके घर के आसपास की ये वीडियो है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, पैरानॉर्मल एंड इंथुजियास्ट है वो। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है। प्रॉपर्टी या जो लोकेशन है इसको तो हम डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं कर सकते ना करेंगे, आगे की आगे देखिएगा क्या होता है। देखिए देखिए देखिए, देखिए देखिए देखिए। ध्यान से देखिएगा इसको। बंद। ये दूसरी वीडियो है, अलग टाइम पे शूट की हुई रात में। कुछ दिखा? ये दिखा दिखा देख ली देख ली देख ली देख ली देख ली। अब वो बंगाली में बोल रही है, देख ली देख ली। फिर कुछ दिखा? चलिए इसको रोकते हैं। इतना बता रहा हूँ कि आपको मैं जानकारी दे दूँ कि मेरे पास ये फुटेज कहाँ से आई है। कभी हमारी सब्सक्राइबर हुआ करती थी, लेकिन हाँ अब मेरी फ्रेंड है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल। डरती नहीं है, और वो जहाँ रहती हैं कोलकाता में, उनके घर के आसपास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो फैमिली थी, सारी फैमिली की डेथ हो चुकी है। ये फ्लैट बंद है कई सालों से। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, इनको लगा, इन्होंने डिटेक्शन किया, डिटेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि एक वीडियो करते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, तब जा करके इनको ये फुटेज मिला है। और ये पता है किसी स्पेशलाइज्ड डीएसएलआर कैमरा या कोई घोस्ट हंटिंग स्पेशलाइज्ड कैमरा की वीडियो नहीं, एक मोबाइल फ़ोन कैमरा की वीडियो है। देखिए देखना यहाँ पे, ये देखो खुला खुल गया। बंद। ये रात की है वीडियो, यहाँ देखना शांति है बिल्कुल। अब देखना क्या होता है। अरे वाह, देखने 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 कुछ पास करता हुआ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से वापस मैं
मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी इन्होंने कैप्चर किया है ये बड़ा ही जेन्युइन है, ये बड़ा ही जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है ये। ये जो खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। अब इन्होंने ये भी बताया कि इनको कुछ अजीब सी एंग्जाइटी टाइप बहुत कुछ ऐसा फील होता था इनको इस बिल्डिंग के सामने देख करके ना, इनको बड़ा अजीब सा लगता था, मतलब परेशान होती थी ये। और मैं कई बार सिक्स सेंस के जिक्र कर चुका हूँ, कई इंसानों में इस तरह के सेंसेस होते हैं कि अपने आसपास जो हो रहा है उनके बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं से ब्रेन डिकोड तो वो कर लेते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो हिम्मत दिखाते हैं वो इस तरह का काम करते हैं कि कैमरा उठाते हैं, फोन उठाते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और उनको कई बार सक्सेस मिल जाता है। ये आपको इंटरनेट में कहीं पे भी ये फुटेज नहीं मिलेगी। और ये जो मैंने लिखा ना कर्ट सी श्वेता चैटर्जी, आप इसको ध्यान देना, हो सकता है किसी और चैनल में ये आ जाए, इसको ये ब्लर कर देंगे। आप ध्यान देना कि ये पहली वीडियो है और ये मेरे किसी सब्सक्राइबर की जो कि आज मेरी फ्रेंड है उनकी वीडियो है। ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। मैं कह रहा हूँ कि ये रियल पैरानॉर्मल एक्यूरेंस है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पे आग लग जाए, ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको रेलिंग होती तो टूट के गिर जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई एक आँख वाला दिखता, लाल लाल आँख और लेज़र की तरह लाइट निकलती है उसकी, कि अरे साला मतलब दिमाग ख़राब। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरी मानिए तो। जो भी है, कैच बड़ा मस्त था ये। मेरी छोटी सी कोशिश थी आपका डर खत्म करने के लिए, ताकि मैं सोचता हूँ कि आज हर इंसान इंडिया का, हर इंडियन एक पैरा इन्वेस्टिगेटर बन जाए। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद जो एक वीडियो आएगी ना मेरी भीगते हुए, ये आपको एक मैसेज देने का मैंने कोशिश किया है, आप इसको जैसे लें। दोस्तों पता है पिछले 2 घंटे से मैं भीग रहा हूँ, और मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी ना, शाम के 7 बजे की वीडियो दिखाई थी कि हाँ नहीं कर पाऊँगा वीडियो आज, जो आपकी ये फेवरेट जगह है नहीं कर पाऊँगा। लास्ट मैसेज मैंने सोचा वीडियो को एंड करने से पहले कि हाँ आपको दिखा दूँ कि हाँ यहाँ का माहौल क्या है। पता है कल जो मैंने लास्ट वीडियो की थी ना डॉग वाली, जैसे ही मैंने सेटअप हटाया, लाइट हटाया, उसके बाद जस्ट आधे घंटे के बाद जो ये बारिश शुरू हुई है ये अब तक ख़त्म नहीं हुई है। चलिए मैंने भी बारिश का थोड़ा मज़ा ले लिया, पिछले 2-2.5 घंटे से मैं भीग रहा हूँ। आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ कुछ ना कुछ वीडियो नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन वाली लेकर के बंदा आए, तो मैं उस पर पूरा काम कर रहा हूँ। मैं बेकार हूँ, अभी कुछ काम नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत हो पा रहा है कर रहा हूँ। एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मौसम होता है ना, इस तरह का तूफानी और हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, एटमॉस्फेयर जो है चार्ज्ड होता है कुछ तरह के पार्टिकल्स से, जो कि आयोनिकली चार्ज्ड होता है, मतलब आयन्स कहते हैं। ऐसे मौसम में ना बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल साइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तभी आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है, वहाँ के लोगों को और जो बाहर से जाते हैं वहाँ उनको भी। क्यों? बारिश बहुत होती है वहाँ पे, क्लाउड्स फॉर्मेशंस बहुत होते हैं। ये मैं समझाऊंगा कभी आपको, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। बस
अब इसमें तो देखिए कोई बहादुरी नहीं है कि मैं 2-3 घंटे और यहाँ पे रखे। देखिए मैं कर तो सकता हूँ वीडियो, लेकिन पता है मुझे अपने से ज्यादा ना अपने कैमरे की चिंता है। थोड़ा महंगा है कैमरा। आपको व्हाइट नॉइज बहुत पसंद है ना मेरी जो वीडियो में होती है, हाँ, तो इस कैमरे की खासियत है। और जो मैं माइक यूज करता हूँ उसमें व्हाइट नॉइज होती है, और जब व्हाइट नॉइज होती है तो कुछ ना कुछ EVP आ जाता है, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी ने कुछ बोल दिया पीछे से, आप पत्तों की बात करते हैं, पत्ते हिलते हैं, ऐसा है वैसा है जो भी है, तो मेरा कैमरा खराब हो जाएगा ना। देखिए मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मैं पैरासीटामोल ले लूंगा, मुझे बुखार आ गया, कफ सिर्फ ले लूंगा, सर्दी खांसी हो गई, कोरोना नहीं है अभी तक तो नहीं, अभी तक बचा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी दुकान भी बंद है, वो सारे मतलब सब कुछ क्लोज्ड है अभी, तो अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आपको वॉइस ओवर वाली वीडियो आपने देखी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी ये भी देख लिया कीजिए ना। देखो बारिश का मजा ले लिया ना मैंने, थोड़ा सा बचा लेता हूँ फोन को, मस्त बारिश हो रही है। ऐसे वन प्लस के बारे तो बोलते हैं कि ये रेन वेन में कुछ होता नहीं है, पता नहीं, बट बारिश तेज हो रही है। कैमरे पे कुछ वो पानी वानी आ जाएगा तो सब कुछ हो सकता है, क्लियर नहीं दिखेगा। अब थोड़ा दौड़ के निकलना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज दिख रहे हो, वो साला ठंड भी लग रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। साला इस तरह का फन्ना बचपन में टीनेज में करते, हाल फिलहाल भी करते हैं लेकिन बचपन में तो मजा, और खास के बारिश जब हो रही है और ऐसा अंधेरा इलाका, इतना अंधेरा, यहाँ तो बहुत मजा आता है। देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मेरी शक्ल बिल्कुल काली सी भूत टाइप की दिख रही होगी ना। पता है प्रोफेशनल वीडियो सोचा था करूं, लेकिन उसके लिए मैं अपना DSLR लेकर आता, और भाई मैं इतना इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि 45,000 का DSLR को मैं रिस्क में डाल दूँ ऐसे बारिश में। फ़ोन से तो चलो काम चला लूँगा, अगर ये बंद भी हो जाए तो मेमोरी तो है इसमें, वो निकाल लूँगा मैं। अब थोड़ा लाइट की तरफ आ रहा हूँ, कुछ कुछ दिखूँगा मैं, कुछ। इतनी बारिश, इतना अंधेरा, इधर भी अंधेरा। वीडियो बंद करता हूँ, लाइट में आ गया।